हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज आपको मैं बताऊंगा एक मेडिसिन के बारे में जो कि बनती है हमारी चिली से। हाँ, चिली से, जैसे कि आप देख सकते हैं चिली के लीफ से। इससे हमारी मेडिसिन बनती है कैप्सिकम एनम। जैसे कि आपको पता है होम्योपैथिक मेडिसिन्स का नेम हमारे बोटनिकल नेम से ही ले जाते, तो इसका बोटनिकल नेम भी, अधिकतर होम्योपैथिक नेम हमारे बोटनिकल नेम से होते, तो इसका भी जो नेम लिया गया है वो बोटनिकल नेम से, जो कि बोटनिकल नेम है हमारा कैप्सिकम एनम। ये बनाई जाती है हमारे ड्राई फ्रूट्स और सीड से। जो हमारा कैप्सिकम एनम का फ्रूट होता है वो जब ड्राई हो जाता है उससे बनाई जाती है हमारी कैप्सिकम एनम होम्योपैथिक मेडिसिन। और इसका यूज ट्रीटमेंट कहाँ होता है? इसका ट्रीटमेंट होता है हमारा जब हम इंफ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन में इंफ्लेमेशन हो तब हमारे यूज होता है। और इसका यूज होता है, पिंचर्स हो जाते हैं, इसका ट्रीटमेंट में यूज होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारी लीव्स ऑफ चिली, इसको हम ग्रीन चिली की लीव से ग्रीन चिली। और जो हमारी चिली होती है ये हमें, इसका एक और बहुत अच्छा मेडिसिनल यूज है, ये एज अ एक्टिवेटर आपके रिसेप्टर से और नर्व्स को एक्टिवेट करती है। क्योंकि जब चिली हमारे टंग में, टंग टेस्ट जब हमारी करती है, वो रिसेप्टर रिसीव होके जाती है इंफॉर्मेशन माइंड में कि कुछ एक्टिवेट एक्टिवेट करने के लिए। जब भी आप चिली खाओगे तो आपका पूरा दिमाग खुल जाता है। तो चिली खाना अच्छा होता है और चिली से हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन भी बनती है जो कि है कैप्सिकम एनम। थैंक यू।